गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला और कहा कमलनाथ की उत्पत्ति आग से हुई है। 84 के दंगों में लोगों के घर जलाए और अब मध्य प्रदेश जलाने की बात कर रहे हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ जी की उत्पत्ति ही आग से हुई है। इमरजेंसी में वे भागीदार रहे हैं। 84 के दंगों में लोगों के घर जलाए, अब मध्य प्रदेश को जलाने की बात कर रहे हैं। आपदा में कभी तो सेवा की बात कर लीजिए कमलनाथ जी। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव का उनके पास होना सोच के साथ ही शोध का भी विषय है। मुख्यमंत्री रहते हुए पता नहीं कौन कौन से उन्होंने दस्तावेज गायब किए होंगे। ये पीड़ादायी प्रसंग है। मैं 2-3 दिन से रोज कमलनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। एक आध क्लिपिंग ऐसी तो जारी करो जिसमें सेवा करते दिखो आप। आग लगाते दिख रहे हो जहां भी दिख रहे हो। हालांकि ये सच है कि आपकी उत्पत्ति आग से ही हुई है। इमरजेंसी की आग आपने देखी है। आपके गुरु संजय गांधी आपको लेके आए, फिर 84 के दंगों में सिखों के घर जलाते हुए भी जो प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबे, देश ने उनको भी घर जलते हुए देख लिया। अब आप मध्य प्रदेश को जलाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? लगातार बार बार रिपीट करना कि आग लगा दो, आग लगा दो। इस आपदा में कमलनाथ जी आपको दीन दुखी के बीच में हो रहा था, शोषित पीड़ित व्यक्ति के बीच में हो रहा था, वहां आप लाशें गिरा रहे, मुर्दों की बातचीत सुन रहे हो कब्रिस्तान में। क्या हो गया है आपको इस मामले में? उम्र के चौथे पड़ाव पर यह उम्मीद नहीं थी आप पद और गोपनीयता की शपथ ली इन्हें मुख्यमंत्री ने और हनीप्रीत की पेन ड्राइव रख ली अपने घर। क्यों रख ली? निश्चित रूप से उसमें कांग्रेसी होंगे। ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति कहलाती है कमलनाथ। अगर आपके पास में कोई प्रमाण है वो खासकर भाजपा वाले, तो मैं भाजपा की ओर से चुनौती दे रहा हूँ, रखो सार्वजनिक करो। आप उस केस की पेन ड्राइव अपने पास रखे हो जिसकी हाईकोर्ट जांच कर रहा है, उसकी हाईकोर्ट ने SIT बनाई हुई है। क्यों छुपाया आपने इस पेन ड्राइव? क्या था इसमें? और मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री के कोई गंभीर विषय था तो हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिया, SIT को क्यों नहीं दिया? मैं तो किससे मान करूं? मैं ये मानता हूं कि इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज, जब पेन ड्राइव इनके पास हो सकती है तो मुख्यमंत्री रहते इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज भी गायब किए होंगे और ये जांच का विषय हो सकता है। मिश्रा ने बताया मध्य प्रदेश में कोरोना निरंतर नियंत्रण में आता जा रहा है। अब प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 6% से नीचे 5.8 पर आ चुका है। उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है, न ऑक्सीजन की, न रेमडेसिविर इंजेक्शन की, न ICU की, न बेड की। मध्य प्रदेश सरकार ने माकूल प्रबंध किए गए हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन इंजेक्शन सब सरप्लस में है। लगातार कोरोना की स्थिति अब नियंत्रण में आती जा रही है। प्रदेश के अंदर अगर आज हम बात करें कि नए प्रकरण आने की, तो आज 4,354 मामले प्रदेश के अंदर नए आए, जबकि इसके विपरीत अगर अपन जाएंगे कि ठीक होकर घर कितने गए, तो 9,405 लोग ठीक होकर के अपने अपने घर पर गए। दोनों की हम तुलना करेंगे तो लगभग आधे से अधिक लोग ठीक होकर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड, पर्याप्त मात्रा में ICU के बेड, पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, CCU के उपलब्ध हैं, अस्पतालों में पर्याप्त वैकेंसी है। आज हम ऑक्सीजन में एक्सेस हैं, आज हम रेमडेसिविर में एक्सेस हैं। सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से की है। इंदौर में स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है, भोपाल में आती जा रही है। हमारी पॉजिटिविटी की रेट अगर पूरे प्रदेश की देखें तो 5.8 आज पूरे प्रदेश की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।